और यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों हमने स्टार्ट किया हमारी सक्सेस बैच। किसके लिए दोस्तों? एचएससी स्टैंडर्ड के, इट मींस आपके 12th स्टैंडर्ड के 2023 के बैच के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों। ओके, तो ये दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 5 चल, इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारा पार्ट नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 5 का नाम दोस्तों ऐसा है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मतलब जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया, मैंने थंबनेल ऐसे मतलब टाइप का डिजाइन किया था जिसके अंदर आपको नाम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे आप उस इमेज के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा इसके इस चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है। ओके, जैसे कि आपने देख लिया कि मतलब ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे होता है, ओरिजिन से उसके बारे में दिया इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो देखते हैं हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक दोस्तों क्या है, देखो चैप्टर का नाम जैसे कि आपने देख लिया, 5th नंबर चैप्टर है हमारा ये। ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ मिट्स मीन्स, मतलब क्या ओरिजिन ऑफ लाइफ का मीनिंग क्या है दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, द कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों इन सभी जो भी टाइप्स है दोस्तों, ये सभी कैरेक्टर्स दोस्तों ये हमारे ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या होता है, ये आगे बढ़ते रहते हैं। ओके, दैट इज क्या होता है, ओरिजिन होता है इनका, मतलब ये क्या फॉर्मेशन होता है इनका। ओके, तो ये फॉर्मेशन कैसा होता है इनके, इसलिए उन्हें हमें मतलब इस प्रोसेस को हमें क्या करना पड़ता है, इस प्रोसेस में रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। रिप्रोडक्शन में आगे क्या होता है, जो भी प्री एग्जिस्टिंग जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब पहले ही एग्जिस्ट हुआ जो कोई ऑर्गेनिज्म होता है वेल डेवलप्ड, तो वो क्या करता है आगे एक मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने का काम करता है। ओके, तो हम आगे देखेंगे आगे वाले स्टेप्स के अंदर दोस्तों। देखो, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर जो भी हमारी लाइफ ओरिजिन होती है ना, फॉर्मेशन होता है लाइफ का, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो बायोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो बायोजेनेसिस दोस्तों। ये वर्ड ध्यान रखना क्योंकि आपको एमएससी एग्जाम के अंदर आपको पूछ सकते हैं ज्यादा। ओके, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, इसके कुछ स्टेप्स है दोस्तों, इसके स्टेप्स फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर स्टेप क्या है दोस्तों हमारी। ओके, देखो थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन, अब देखो स्पेसिस क्रिएशन। ओके, तो जो भी थ्योरी मतलब जो स्पेसिस उनका क्रिएशन कैसे हुआ इसके बारे में हम इसकी थ्योरी देखते हैं। देखो दोस्तों, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार मतलब क्या बोलते हैं, लाइफ ऑन अर्थ वॉज क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल एंड पावर इज कॉल्ड एज गॉड और क्रिएट। मतलब लाइफ ऐसी क्रिएट हुई है जिसके अंदर मतलब एक सुपर नेचुरल पावर या फिर एक कुछ मतलब कुछ ऐसी पावर बोल सकते हैं जिस जहाँ से हमारी लाइफ क्रिएट हुई, मतलब उसकी मदद से हमारी लाइफ क्रिएट हुई। ओके, दैट इज हमने उसे नाम दिया है गॉड दिया या फिर क्रिएटर बोला है हमने उसे। ओके, एंड दिस थ्योरी हैविंग नो एनी स्पेसिफिक प्रूफ, मतलब इस थ्योरी के लिए हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, हम ऐसा कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि हम कह सके कि ये गॉड ने फॉर्म किया है या फिर किसी और ने फॉर्म किया या फिर नेचुरली फॉर्म है, हमारे पास ऐसा कुछ प्रूफ ही नहीं है दोस्तों। ओके, तो हम और आगे कुछ साइंटिस्ट इन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया और इन्होंने इस ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन के बारे में ह्यूमन के बारे में तो इन्होंने कुछ यहाँ पे बताया, हम देखते हैं यहाँ पे। देखो सेकंड स्टेप हमारे यहाँ पे है कस्टमाइजिंग। ओके, और पैंसपर्मिया थ्योरी, अभी देखो पैंसपर्मिया और कस्टमाइजिंग थ्योरी मतलब ये एक ही वर्ड है दोस्तों, मतलब सिर्फ इनके नाम अलग अलग है पर मीनिंग एक ही दोस्तों। देखो ये क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरी लाइफ ऑन अर्थ कम फ्रॉम द डिस्टिंक्ट प्लैनेट, मतलब लाइफ है जो हमारे अर्थ के ऊपर वो दूसरे प्लैनेट से आई है ऐसा बोल रहे हैं, बाय मीटियोर्स के थ्रू आ सकती है, ऑन द फॉर्म ऑफ द स्पोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, इनकी इन सभी फॉर्म के वजह से क्या होगा, आप हमारी लाइफ यहाँ पे हमारे अर्थ के ऊपर क्रिएट हुई होगी। ओके, द नासा डिस्कवर्ड फॉसिल्स ऑफ अ बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म ऑन पीसेस ऑफ मेट्रोइज रॉक्स रिमूव्ड फ्रॉम दी, हमारे नासा ने मतलब नासा आपको पता है ना। ओके, तो नासा ने क्या किया था, डिस्कवर किया था जो भी मतलब मेट्रोइज के जो भी मतलब फॉसिल्स होते हैं। ओके, मतलब बैक्टीरिया के जो भी फॉसिल्स है उन्हें ये यहाँ वहाँ पे मिले थे। ओके, हमारे अर्थ के ऊपर मिले थे उन्हें। ओके, तो उन्हें एक अंदाजा लग रहा है यहाँ पे कि हमारे जो अर्थ है ह्यूमन जो भी मतलब हमारे ह्यूमन लिविंग जो भी बींग से हम आए हैं, हमारे मतलब ह्यूमन लिविंग बींग नहीं बोल सकते हम क्योंकि लिविंग बींग हम ह्यूमन से बहुत ही लेट फॉर्म हुए, हमें सबसे पहले बहुत ही मतलब स्मॉल स्मॉल प्लांट्स फॉर्म हुए, बाद में हम ह्यूमंस आए, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस है वो। बट उससे पहले दोस्तों हमारे जो भी लिविंग प्रोसेस दोस्तों, ये प्रोसेस हमारी किसी और प्लांट से आई ऐसा ये नासा ने कहा था दोस्तों। ओके, तो सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट दिया मैंने यहाँ पे, फोर्थ स्टेप दिए, ये फोर्थ स्टेप को लेने से पहले दोस्तों मैं इससे पहले एक स्टेप यहाँ पे लिखना चाह रहा था, मैं वो भूल गया जिससे दोस्तों मैंने ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ऐड किया दोस्तों। ओके, तो ये एक्चुअली ये स्टेप है आपकी, फोर्थ नंबर स्टेप्स ये दोस्तों। ओके, देखो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रेजुएशन ऑफ लाइफ, देखो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रेजुएशन लाइफ ये क्या कह रहे हैं दोस्तों। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ इज जनरेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल, लाइफ कैसे जनरेट हुई है, नॉन लिविंग मटेरियल के थ्रू लाइफ जनरेट हुई दोस्तों। ओके, इट्स कॉल्ड एज अबायोजेनेसिस, उसे हम अबायोजेनेसिस बोलते हैं, इनकी अकॉर्डिंग टू ये इनकी थ्योरी है। ओके, दैट इज उसे हम ऑटोबायोजेनेसिस बोल सकते हैं। ओके, इट
प्रपोज्ड बाय द ग्रीक फॉस्फोरियस एंड 600 BC एंड सपोर्टेड बाय द एरिस्टोलियो। ओके, मतलब ये बोल रहे हैं ये जो लाइफ है ना, ये लिविंग बींग के या फिर ये भी जो भी लिविंग थिंग्स जो है सब कुछ, ये कब से स्टार्ट हुई हमारे अर्थ के ऊपर, वो स्टार्ट हुई हमारी 600 BC, मतलब क्या हुआ बिलियन ऑफ सेंचुरी, मतलब देखो 600 बिलियन ऑफ सेंचुरी के पहले हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट हुई थी। मतलब लाइफ इट मीन्स हमारे लिविंग वर्ल्ड, लिविंग थिंग जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था 600 बिलियन ईयर एगो। ओके, तो ये बिलियन सेंचुरी दोस्तों, गलती से बोल गया मैं। ओके, सेकंड नंबर क्या ऐप है, ओके, लुईस पीटर्स प्रोवाइड रॉन्ग एंड प्रपोज्ड वेरी ऑफ थियरी ऑफ बायोलॉजिकल बायोलॉजी। ओके दोस्तों, ये जो लुईस पीटर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये जो थियरी बताई ना आगे, ये सब कुछ थियरी, ये सब कुछ इन्होंने गलत बताई है, ऐसा ये बाद में प्रूव हो गया। ओके तो दोस्तों, इसके बाद अभी क्या हुआ एक्चुअली लाइफ किस फॉर्म में हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, अभी देखो थियरी बायोजेनेसिस इसके अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ लाइफ इज जनरेटेड फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यस, मैंने वही बोला आपको स्टार्टिंग में, लाइफ जो है वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग है, मतलब हमने देखो मेरे पेरेंट्स जो है उनकी वजह से मैं फॉर्म हुआ। ओके, वैसे मतलब मेरा फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो वो एक प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो मैं एक मतलब प्री एग्जिस्टिंग नहीं था। ओके, अभी मैं तो प्री एग्जिस्टिंग होने लगा हूँ, तो मैं आगे आके और ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता हूँ। वैसे दोस्तों आपका भी ऐसा, सभी कैसा है दोस्तों, मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब मेरा ही मत समझ लेना, सभी कैसा, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी लोगों का ऐसा ही होता है दोस्तों। ओके, हमारे प्लांट्स के अंदर भी होना हमारे, ओके प्लांट्स एनिमल सबके अंदर। ओके, वर्क ऑन दिस एक्सपेरिमेंट फ्रांसिस्को रेड्डी नाम के, मतलब दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर किसने वर्क किया था, फ्रांसिस्को रेड्डी एंड ओके स्पेंजिनी एंड लुईस पीटर नाम के जो तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर वर्क किया था कि ये सच में सही है या फिर गलत है, या फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्हें पता चला ये सही है। बट दोस्तों इट इज प्रूव्ड, इन्होंने प्रूव कर दिया, क्या कर दिया, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, ये जो लाइफ कंटिन्यूएशन है ये सच में यही है कि हमारे प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म की मदद से ही हमारी लाइफ है वो आगे बढ़ती रहती है। ओके, इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये सही है दोस्तों। ओके, सेकंड दोस्तों, बट दोस्तों यहां पे एक और एक ट्विस्ट आता है, इन्होंने ये तो प्रूव कर दिया, बट दोस्तों इन्हें ये भी पता, अभी तक ये पता नहीं चला कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ, फर्स्ट लाइफ, मतलब जो भी हमारी फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ थी ना, फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब फर्स्ट ऐसा लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी, वो कैसे फॉर्म हुआ और वो कौन था, मतलब वो ह्यूमन ही था या फिर कुछ प्लांट था, मतलब एक्चुअली प्लांट था वो। ओके, प्लांट या फिर सी के अंदर जो भी होता है ना सब कुछ, ओके आपको पता है समंदर के अंदर बहुत सारे फिशेस होते हैं, उनके वजह से हमारे मतलब वो सबसे पहले थे, मुझे ऐसा एक पता है, मैंने थ्योरी के अंदर पढ़ा था। बट दोस्तों हमारे ह्यूमन डायरेक्टली, हमारे ह्यूमन तो कभी फॉर्म नहीं हुए। ओके, उससे पहले कुछ लिविंग थिंग्स फॉर्म हुए थे, जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, सी के अंदर जो भी आपके फिशेस हो गया, वाटर हो गया, ओके साल्ट हो गया, वो सब पहले फॉर्म हुए थे, बट उसके अंदर भी कौन सबसे पहले फॉर्म हुआ वो उन्हें अभी तक पता नहीं दोस्तों। ओके, तो ये इसकी थ्योरी थी दोस्तों। ओके, तो आपको पता चल गया मतलब ह्यूमन का जो भी हमारे, मतलब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसने फॉर्म किया, कैसे फॉर्म हुआ, किसी को भी पता नहीं है। ओके, फिलहाल हम तो ऐसे ही मानते हैं कि वो गॉड ने फॉर्म किया है, गॉड ने सब कुछ किया दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप्स के अंदर ही बता दिया था। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर और ये चैप्टर का जो भी फर्स्ट पार्ट था, इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखने वाले ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या होता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को यहीं पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों सॉरी, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको एक शायरी सुना नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में था और वीडियो को 2 दिन हो गए मैंने अपलोड किए हुए, और तो ये वीडियो मुझे अपलोड करना आज बहुत ही जरूरी था, इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में अपलोड कर दिया। बट ऐसा नहीं होगा दोस्तों, नेक्स्ट टाइम से मैं हर एक हमारे वीडियो लेक्चर के अंदर एक ना एक शायरी सुनाऊंगा आपको, शायरी या फिर कुछ सक्सेस लाइन या फिर कुछ भी ऐसा, ओके जो आपको सुनने में अच्छा लगा। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ अलग देखेंगे। इसकी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर एक पार्ट के अंदर हमारे दो दो टॉपिक कंसेप्ट खत्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास दिन बहुत ही कम है, अभी सिर्फ हमारे पास 1.5-2 महीना बाकी है, इसलिए दोस्तों मैं इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ओके दोस्तों, ये पार्ट मतलब भले ये पार्ट, ये जो पार्ट्स आने वाले हमारे चैप्टर के पार्ट, इनकी भले ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो जाए, ज़्यादा ज़्यादा मैं बड़ा नहीं होऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक रखूंगा, बट उससे भी ज़्यादा अगर होता है तो मैं उसे कट कर दूंगा वहाँ पे। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। और अगर दोस्तों अगर इस पॉइंट के अंदर, इस ओरिजिनल फ्यूलेशन लाइफ के अंदर आपको मतलब इस कंसेप्ट के अंदर कुछ डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर।